पंखे की स्पीड कम कर। हाँ लगा रहे, पूरी ताकत लगा और जोर से। हाँ लगा, पूरी ताकत लगा। हाँ और जोर से। हाँ जोर से आग लगाओ, झगड़ो उसको और तेजी से, झगड़ लो उसको और तेजी से, झगड़ो लगा, पूरी ताकत लगा और जोर से, झगड़ लो उसको और तेजी से। हाँ लगा, पूरी ताकत लगा। लगाओ उसके अंदर आग, लगाओ तेजी से, जलाओ उसको। बहुत मस्ती चढ़ी थी उसको, क्या कर रहा था वो बच्ची को, ने जलाओ उसको तेजी से। फिर क्या कर रहा था तू उसके अंदर? क्या शौक पूरे कर रहा था तू? हाँ क्या कर रहा था? मेरी बचपन की ख्वाहिश, गाड़ी। काई की गाड़ी? क्या गाड़ी? क्या मेरी गाड़ी तोड़ दी? तेरी गाड़ी तोड़े? कौन तोड़ा था? कौन तोड़ा था वो? हाँ क्या पूछा मैं जवाब? बहुत बुरा मानने लगा उन्हें तो। और जल्दी बोल, मारो उसको और तेजी से, बाहर से और बुलाओ उसको, मारने वाली फालतू तेजी झगड़ के मारो उसको। लगा ले, पूरी ताकत लगा, जोर से। कहाँ से आया था तू बच्ची के आंग पे? कहाँ से आया था? अब्रस्तान से, शमशान से? खुद को खुद आया ला के छोड़े? नहीं मालूम। जलाओ उसके अंदर आग, लगाओ तेजी से आग, लगाओ उसके अंदर, छोड़ मत उसको कम बात को। झगड़ो और तेजी से, झगड़ लो उसको और तेजी के साथ में, और मार करो उसके अंदर से तेजी से आग लगाओ। चलो उसके हाथ काट के ले लेंगे दोनों भी। चल बोल, वहां था काट लो, कह रहे अब दोनों। हाँ क्या कर रहा था तू बच्ची के अंदर? कुछ नहीं करता मैं इसको, कुछ नहीं करता, पूछो ना, मैं कुछ नहीं करता। मुझे तो पता चल रहा तू उसको मार के साथ में ले जाने वाला था, बोलते। हाँ कब ले जाने वाला था? सही से बोल, गाड़ी के साथ लेके चल जाने वाला था। अच्छा बच्ची को तू कैसा मारने आता? एक्सीडेंट करके, बीमारी डाल के, कैसा? गाड़ी ली दिला के, उसको गाड़ी सिखा के, एक्सीडेंट करा के मारने वाला था। हाँ बराबर। अरे और क्या कर रहा हो तू? और कौन सी बीमारी लगाया था बच्ची को? सादी बीमारी, बुखार, ठंडी। बुखार लगा लगा के कमजोर करके मार देने वाला था तू? उसके शरीर में का खून कौन पी रहा था? खून क्यों कम पिला रहा था पूरा? मेरा बहुत खून गया। तो एक्सीडेंट होके मरा था? कब मरा था?
याद नहीं। कैसा याद नहीं देखो कम वक्त कौन डाला था कौन डाला था तेरे अंदर और आग लगा दूं और जलाऊं और इसी घर में किस किस को परेशान कर रहा था तू लाओ उसके अंदर तेज से आग लगाओ सही सही बोला झूठ बोला की मार मार के खत्म कर दो अच्छा बच्ची को कितने साल में मारने वाला था एक साल के अंदर बाहर छह महीने में पांच महीने में कब तक कितना कितना वक्त जबान से बोलो इशारे क्या समझेंगे मुझे वैसा क्या है वो वैसा हाँ कितना टाइम क्या चार महीने चार महीने बहुत जल्दी आने वाली थी ये मेरे बाल बच गई आप नहीं बचूंगी कैसा मार रहा था एक्सीडेंट करके वारे वाह चार साल से लगा हुआ था उसको पहले दूसरे का नाम बताया क्या बताया था दूसरे का लड़की को बोला मैंने पहले से झूठे बात कर रहा था अभी मैं सबको झूठ बोलता हूँ लड़की को बोल के यहाँ देखा ना यहाँ कैसी मार पड़ती है सबको सही बोलना पड़ता कैसे लाए पकड़ के तेरे सामने मैंने आ रहा था इतनी जबरदस्ती लाए रास्ते में रुकावट डाल रहा था मैं तू उनके यहाँ नहीं के वास्ते मैं यहाँ नहीं दे रहा था जिस दिन गए उस दिन लेके आया इधर अभी तक कितने लोगों को मारा किसको ने मारा किसको ने पहली ये थे अच्छी लगी सबसे अच्छे से बात करती सबकी फीलिंग समझती मुझे लगा मेरी भी समझेगी मेरी साथ चलेगी पर इसकी लाने नहीं होती ला के फंसा दी तुझे ना यहाँ नहीं दे रहा था बोलते उन्हें रास्ते में अड़तड़दार रहा था फिर भी लाया उसको ना लाया कुया मेरे पास तुम्हारे आंग में जो बलाएं शैतान रहते वो तुम्हारे आने से रोकते हैं यहाँ जो भी विरोध कर रहा समझ जाना वो अंदर कोई शैतान बैठ के विरोध करता क्योंकि कोई लोग बुरा बोलते जिसके आंग में शैतान रहता बाकी कोई नहीं बोलता बहुत बुरा बोल रहा था मैं तुम्हें आना नहीं जाना नहीं है ना रुकावट डाल रहा हूँ उनके रस्ते में भाई को लगाया क्या लगा रहा था भाई काने कुछ नहीं लुटता लुटता नहीं ऐसा बोल रहा था ऐसा बोल रहा था बोलते कि यहाँ मत जाओ लूटिंग आ कहीं तू जा रहे पैसे लेता आने ऐसे झूठे वादा कर रहा था झगड़ो उसको और तेज से जान तो बहुत शांत दुख रहा मेरा बस सुबह से टाइम आ गया इंसान नहीं कैसे जान दे तेरे सर को खेस खेस के पूरा चिड़िया बनाने लगा था मेरे पास सर आके ही नहीं है दो टुकड़े करा देता हूँ बीच में से बच्ची को मार के जाके से शादी करने वाला था क्या नहीं 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 हाँ क्या करने वाला था जैसा मेरे साथ हुआ वैसा सबके साथ होना अच्छा वैसा एक्सीडेंट सबके कराने वाला है तुझे कौन मारा था एक्सीडेंट करके तेरे रिश्तेदारों ने मालूम मैं अचानक कहाँ के गाड़ी का अच्छा चला रहा था और जाता गाड़ी आगे सामने कब की बात है वो बहुत पुरानी बात है हिंदू था मुसलमान था मैं सही बोल जलाओ 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 हाथ तोड़ो उसके फिर आओ जरा उसके हाथों को जकड़ लो तेज से और तेज जबड़ो नाला है उसको खूब मारो उसको और उसके अंदर से आग लगाओ बोला क्या करना छोड़ना क्या पूरा भस्म करके डालना नहीं छोड़ दो मेरे को मैं जाता नहीं और तेज एक साथ में
शादी नहीं होने रहा उसकी। वो जनों को दूर कराया वो। अच्छा क्या कराया? वो जनों को शादी नहीं होना बोल के जो भी पसंद करता उसको गालियां देने लगा था। इस सड़क में बेइज्जती करा जाता इसके मुंह से सब छोकरों की। इसकी दुश्मनी बन गई। मैं भी चला जाऊंगा तो कोई ना कोई बांटा लेगा क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को उसने गाली दी थी। तो सारे रिश्ते तोड़ दे रहा था उसके जितने रिश्ते आ रहे थे। तो कम मारो उसको और तेज से। कॉलेज से अच्छी लगती थी। तेरी उसकी दुश्मनी क्या थी? कुछ नहीं थी बोला ना कुछ नहीं थी। फिर कई कुमार माया कर रहा था ऐसे। एक मेरी ख्वाहिश पूरे कर रही है। क्या थी तेरी ख्वाहिश? एक अच्छा घर मम्मी को सुकून की जिंदगी और कुछ नहीं था मेरे को। अच्छा तो तू अधूरा मर गया। वो तेरे ख्वाहिशें पूरी होने तो लोगों से बदले लेते फिरता ऐसे कमबख्त। चलो उसके अंदर से आग लगाओ जरा तेज से आग लगाओ उसके अंदर। उसके अंदर से आग लगाते रहो तेज के साथ में। अब जलाओ उसको तेज से खुद। بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل डालो उसके पैर में जंजीर और तू खींचो इधर वापिस पीछे गिराओ उसको डाल के जंजीर। भाग आप ले जाता उसको बाप का तेरे पास चल रहा। डालो उसको जंजीर और तेजी से भाग जाओ उसको भागने मत दो उसको। भगा के ले जा रहा उसको भगा के जंजीर गिरे वाले कहां तक भी नहीं भाग सकता तू नाला है। कैसे लाए खींच के उधर खींच के लाके गिराते यहाँ। बाप का तेरा राज नहीं है दुनिया में करने को मन मानिया। बंद के डालो उसको और तेज से जंजीरों से और भागने मत दो उसको। जंजीरा डाल के खींच के रखो उसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल। واصبر على ما يقدر بهجر مدر جميل وضرني والمقصدين والنعمة مدر قليل إنا لدينا أنكال مجمع التمزى قصة وأضعب ناجمة يوم طار رجف اليوم طار رجف الجبال كانت بركض يوم طار رجف الجبال كانت الجبال كثبا مهيل إنا أرسلنا إليكم رسلا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فاتبعون الرسول فأخذناهم بلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجل البلد أن يشوف صفكم به كان ود مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمشي اتخذ الرب سبيلا إن ربك يعلم أنك تخم وتنسدد بنسبة وصبصب طائفة من الذين معك والله يخنار والله يخنار والظن حار جمال الفصف التغليم فأقر معدية من القرآن علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الله يبتغون فعل لله وآخرون يخاطن في سبل فأقر معدية من أخبو الصلاة واتو الزكاة وأخبز الله خرزا حسنا وما تخدم لأنفس من خير تجدح عند الله من خير وعظم جرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. جلاؤ اس کے اندر اور تیزی سے آنکھ لگاؤ چھوڑا مت اس کو مار مار کے ٹکڑے کریے. چلو اس کے ہاتھوں سب کاٹ کے لینے کی تیاری کرو تیزی کے ساتھ میں. کاٹ دو کیا دونوں ہاتھ بول پانی کو دم کر کے پلاؤ اس کے پیٹ میں سے آنکھ لگاؤ تیزی کے ساتھ میں. जलाओ उसके पेट में से तेजी से आग लगाते रहो अंदर से. जलाओ बहुत जलाता हूँ उसके अंदर. एक अक्षर के निकला रहे उसको पानी जल दे.
कैमरा चालू रहा, कपड़ा इधर खींच उसके मुंह पे, हीरो अमिताभ बच्चन दिमाग नहीं चल रहा क्या? झगड़ो उसके पेट में, तेज से आग लगाओ। तेज के साथ में जलाओ, मेरा बहुत सर दुख रहा है, तोड़ देंगे अब उसके दो टुकड़े करने लगाता हूँ। जकड़ लो उसके सर में से और तेज के साथ जकड़ो। सुने नहीं आ रहा मुझे? नहीं। जोर से बोल, सुने नहीं आ रहा? नहीं। सुने नहीं आ रहा? जकड़ो उसके सर। ताकत नहीं है चिल्लाने को। हाँ, सारी ताकत आने के बाद में जकड़ के ले लेते, सब खत्म कर देते। देखा ना, चल अब जल्दी तोबा कर, दादो ना हाथ और तबा तबा कर। अब छोड़ू क्या मार के दालू? देखो पूरा भस्म कर दूंगा। उसको चक्कर भी बताती हाँ, उसको चक्कर कौन लाता था? नहीं। हाँ नहीं। क्या नहीं? क्या नहीं? क्या नहीं? तू लेके आता था? हाँ। सर नहीं है ना मेरे को भी। क्या करता था? सर नहीं है ना मेरे को। अच्छा, इस बात इसके सर में चक्कर लाता था? हाँ, बगर मुंडी के कमबख्त। और क्या करता था? फसलियाँ खराब कर दिया मैंने इसके। क्या करा? खराब कर दिया। तो क्या करा फसलियों को? नहीं, क्या मालूम, फसलियाँ दुखते सूज गए, फसलियाँ गिर गिर के सूज गए। तू सुझाता था? फसलियाँ सूज गए उसके। तू करता था? अच्छा, और उसके माँ को क्या कर रहा था? कुछ नहीं। उसके भाइयों को, बहनों को? किसको कुछ नहीं करता, मैं मेरे को किससे लेना देना नहीं, मेरे को मेरी गाड़ी, मेरा घर होना बस। अब नहीं मिलती गाड़ी, अब मर गया, अब वो दुनिया में जाके रहे। अभी क्यों? क्यों हो गई दुनिया तेरी खत्म? मेरी थोड़ी खत्म है, मेरे साथ ख्वाहिश बाकी है। अब तेरी ख्वाहिश बाकी हो तो क्या लोगों को घर जलाता करे आगे गर्म पानी से? कम बखत काटू करू दो टुकड़े? और कौन ला था वो बच्ची के आंग में, कौन ला के डाला था? देखो औरत की आदमी था वो? नहीं मालूम। जादू कहाँ से कर रहे थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? नहीं मालूम। नहीं मालूम, सही में मजाक कर रहा? मजाक नहीं करता। मारो इसको और तेजी से मारो, इसके अंदर आग लगाओ। तेरे घर तेरी गाड़ी, तो ये छोकरी ने क्या भी गाड़ी थी तेरा? इसके पास है तेरा घर? नहीं। इसके पास है तेरी गाड़ी? नहीं। तो और सवर का मखत? नहीं। फिर इधर क्यों पटरी भटक के आ गया? अरे कम वक्त चल, तेरे हाथ काट लेने के लिए दोनों के। चल इधर आ गया, यहाँ तक जल्दी आ गया, चल जल्दी चल रहे। उसका हथियार लग रख सामने, ले लो काट के। ये भी अपने को देने का है? नहीं, ये अपने पास ही था, वो भी देने का है अपने। हमारे साथ उनको पता नहीं खाली जी आदमी डाला था? नहीं मालूम। नाम मत बोल, खाली शनाखत बता। नहीं मालूम। उसके माँ के तरफ के थे, बाप के तरफ के थे? दोनों पीछे लगे उसके, दोनों पीछे लगे, दोनों पीछे लगे, दोनों पीछे लगे उसके। बोल मैं तो पूरा जला दूंगा, बोला तुम्हें बात बोला नहीं मेरे को। उसके माँ के तरफ के, उसके बाप के तरफ के? दोनों दोनों। चलो सही तरीके से जवाब दे, मैं पूरा काट के जला दूंगा। हाँ बोल, कौन थे वो? उसके माँ के तरफ के, बाप के तरफ के? नहीं मालूम। दोनों तरफ के? जोर से बोल। एक बार। नहीं, डबल से बोल कमबख्त। नहीं मालूम। चलो फिर लगाओ आग तेजी से। चलो फिर जलाने की तैयारी करो और तेजी से। हाँ, किधर के? नहीं मालूम। माँ के, बाप के? नहीं मालूम। कहाँ के? नहीं मालूम। का? क्या लिए थे? पूरा ड्रेस। कौन से कलर का? नहीं मालूम। जल्दी बोल। नहीं मालूम। लारो।
देता सब देता ना, सवाल के जवाब देता नहीं देता, देता देता चलाओ उसको तेजी से नारा आपको। हाँ बोल जल्दी बोल, हाँ बोल, जितना पूछा उतना जवाब दे। बच्ची का क्या लग गया था जादू चलाते टाइम पे? कपड़े लग गए थे उसके। कौन सा ड्रेस था? लाल था। शर्ट था, सलवार था, दोनों थे। औरत लग गई, आदमी लग गया, दोनों मिल के रहे थे। अच्छा माँ के तरफ के रिश्तेदार थे, बाप के थे? नाम मत बोल, खाली इतना बोल। भाई 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 बहुत बुरी ज्यादा से लोग फंसाते इसको। अच्छा कहाँ के लोग थे? उसके माँ के रिश्तेदार, बाप के? बाहर के बोले ना, बाहर के दोस्त आने के थे। जादू कहाँ से कर रहे थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहाँ से कर रहे थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? जलाओ उसको, तेज जला दो। वहाँ से लाए थे उसको, शमशान से लाए थे, स्कूल के पास से। स्कूल के पास से कौन सा स्कूल है उसका नाम? श्रीमती स्कूल। शमशान है क्या वहाँ? नाम आगे पूछूंगा मैं, दूसरे राउंड तक नाम वहाँ पूछूंगा कौन करते क्या करते। चलो इसको बन के डालो नाला कोई ये सब, और पूरी जला के राख करने की तैयारी करो। बची कुची दवा सब उल्टे और जुलाब में बाहर निकाल के फेंको, और उसकी तबीयत में सुधार लाओ। और चिरखान की पनाई जो कर रहा था उसके दिमाग में चढ़ के, सर में दर्द, तकलीफा जो भी कर रहा हूँ सब बन के डालो और उसको मारते रहो। करेंगा कह रहे अब दोबारा देंगे उसको ज्यादा तकलीफ। अब नहीं करना, अब हम जला देते हैं, निकाल के बाहर फेंक देंगे। इज्जत से जाना चाहता हूँ, जान तो पूरा जला के राख कर दूंगा। चलो उसको बन के डाल दो, आज रात 12 बजे के बाद से उसको जंजीरें डालो, उसको खूब मारो, उसको नाला को इतना मारो, मार मार के ठेसा करो उसका, उसको मार मार के बाहर निकाल के फेंको। उसके अंदर जितनी भी दवा बैठे आई हुई नस नस में तो सब पानी पिलाओ उसको, कर लो आगे छोड़ो ज्यादा, मतलब खुदा तो वहाँ पानी लो गिलास में। सना ए सना, वो कहा चलो तो हाँ पानी पियो, ऐसा घुमा के यहाँ पियो। कहाँ से आए थे? बम्बई से आए हैं, कल्याण से। क्या तकलीफ हो रही थी? उसको सर में चक्कर आते थे, आंखों से दिखता भी नहीं होती थी, और खाना बिल्कुल नहीं खाती थी। और ऐसे अम्मा से आएंगी ना वो दिन मेरे पैर सूज गए, दिन भर सोते रहती थी नहीं। इधर आते टाइम पे नहीं आंदे रहते, रुकावट डाल रहा था, कुछ क्या कर रहा था? मच्छर लो तुमको लूट डालेंगे, ऐसा वैसा बोल रहा था। नहीं आंदे क्या पढ़ते स्कूल? क्या हुआ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कब? ये जो है तो खैर के सवाल हूँ, कुछ भी नहीं। क्या हुआ तुम आप यहाँ पे कुछ याद है? ये कौन है नीचे बैठे वाले? कौन है? वो इधर आने नहीं दे रहा था, बोलते आते वक्त ये ऐसा रहता, तुम्हारे फैमिली में कोई मेंबर या कोई भी इंसान अगर विरोध कर रहा पूरा, मत जाओ वहाँ मत जाओ, तो एक बात जहन में बिठा लेना कि उसके अंदर की कोई शय है जो बुरा बोल रही। क्यों बुरा बोल रही? क्योंकि शय को पता है आने के बाद कट जाएगा, तो कोई भी अपनी डिफेंस करना चाहेगा तो उसकी डिफेंस ये रहेंगी कि उन्हें मेरी बुरी करेगा, तुम लोग नहीं आएंगे। तो रुका था, ये जमाना यूज एंड थ्रो का दौर चल रहा। पैसा तो मैं तो लेता तुम्हारा, तुम जो भी सामान लिखा देता दुकान से लाना, घर को ले जाना, अमल करना। दवाखानों में गए तो लाखों रुपए ले लेते डॉक्टर, हर 8 दिन में दवाखाने की सलाइन चढ़ाते, हर 8 दिन में तो लाखों रुपए ले लेते डॉक्टर, बाद में गारंटी भी नहीं देते, पहले फॉर्म पे लिख के ले लेते कि मरगा तो नो जवाबदारी हमारी, कुछ भी नहीं लेगा। और दूसरी बाद में पैसा लेने के बाद लाखों गारंटी भी नहीं देते, बाद में कफन में लपट के घर को भेजते टुकड़े करके। डॉक्टरों की जो भी है मार्केट में जो चल रहा हूँ तुम्हारा बता रहा, गब्बर पिक्चर जो आया था बीच में उसके ट्रेलर में बता दिया ना सारी दास्तान कैसी चल रही आजकल। बहुत सारे अच्छे भी है डॉक्टर, मगर बहुत सारे बदमाश भी है जमाने में, ऐसा नहीं बोल के नहीं। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करा, मेडिकल साइंस भी है
मगर उसमें भी कुछ बदमाश, हर फील्ड के अंदर तो बदमाश लोग रहते हैं, जैसा वो मसला नहीं है, मगर एक मुद्दे की बात तो ये है कि तुम आपको आने देता नहीं, वो इधर आने लगे कि बुरा ही करता वो, तारे नहीं 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 वहाँ पे हमारे घर वाले भी रोक रहे थे, उनके भी अंदर एक होगा ना बटिया, सब मिलके एक हो जाते पूरे शैतान, और सब मिलके बुरा पप्पा वो सब आए थे हमारे हफ्ते में, नहीं आने दे रहे थे, मैं जबरदस्ती लेकर। इससे पहले भी एक वीडियो है देखो, एक दाढ़ी वाले हंसते थे बाहर खड़े आले, उनके बच्ची को अंदर नहीं आने देते, पहली बार वो लड़ते बोलते कहीं गुजा रहे, ऐसी इलाज रहते इलाज नहीं रहते, नमाज पढ़ो इबादत करो अल्लाह रसूल बेशक इबादत करो, नमाज भी पढ़ी ना तो क्या बोलती मेरी मुंडी गिर जाती। सुनो ना, इधर इधर बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया से मुखातिब हूँ पूरी वर्ल्ड से। तो वो जो दास्तान है, इससे पहले दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे जो भी हजरत थे, उनकी नमाज बाहर लिख खड़े बेटी को अंदर लाए, वो हाथ उसका सूख जा रहा था बच्ची का, वीडियो भी नेट पे देख लो, पहली बार आए कुछ नहीं, दूसरी बार आए कुछ नहीं, तीसरी बार वो बच्ची के आंग में शेह हाजिर हो जाती, तीसरी बार वो शेह हाजिर होगी क्या बोलती कि मैं इनको अंदर नहीं आने दे रहा था, इनके बाप के आंग में गया और बाप के आंग में जाके बुरा ही कर रहा था, पता क्या ही कोई इलाज को जाते हैं, नमाज़ा पढ़ो ये करो, किसी को मालूम है ये कुछ नमाज़ा पढ़ते इनकी कुछ जबान से अल्लाह कबूल करता नहीं, इनको कुछ फैज मिलता नहीं, खुद इतनी इनकी जबान इबादत में थोड़ी उठे अली अल्लाह के लॉ में, और इसलिए बोले अंदर नहीं आने दे रहा था मैं, बुढ़े हजरत के आंग में जाके बुरा ही कर रहा था, तो ये औरत नहीं मानी बोले, फिर भी अंदर आ रही तो बच्ची को सीधा गिरा दिया बोले सिर के बल, ताकि लड़के चले जाना, फिर लड़के चले गए, फिर दूसरे चक्कर में फिर आए बोले कि पकड़ लिए तुमने अंदर, बोले यहाँ ऐसी दास्तान है, तो ये बलाएं नहीं आने देते तुमको, वो रोकते तुम्हारे रास्ते में अड़चड़े डालते, क्योंकि उनको मालूम है ना कहाँ कटने वाले हो वहाँ तुमको नहीं जान देते, और जहाँ तुम लुटने वाले हो वहाँ लेके जाते हो तुमको नाच नाच के, बोलते चलो वहाँ पे चलो, जहाँ तुम लुटने वाले हो और जहाँ बलाएं कटने वाले होते वहाँ नहीं आने देते, ये खुली तो बात है ना, और बहुत सारे राज और सारे बातें, मगर इबादत फिर भी ज्यादा से ज्यादा करना, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, और एक दूसरे रुपए से जादू टोने नहीं करना, बहुत बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, अगर ऐसे जादू टोने सब करेंगे तो तुम्हारे आखिरत में तो भरना ही है, देखो सब मालूम पड़ती मेरे सामने शैतान क्या बातें बोल रहा, कितना सही बोल रहा और कितना झूठ बोल रहा सब पता रहता, मगर उस वास्ते फिर मैं उसको मार मार के पूछने लगाता हूँ ना, मारो बोलता हूँ सही निकालो इसके जबान से, फिर बोलता हूँ, पहले का बना रहा था सब लोग इधर से आया उधर से आया, बाद में कैसा बोला कपड़ा लिख गए थे, सब मालूम पड़ती है मेरे हिसाब से पूछा, और भी बहुत सारी बातें बहुत सारे राज है, खैर अल्लाह सबको पहले सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, और अनपढ़ को जाहिल नहीं बोलते, पढ़े लिखे को जाहिल बोलते, तो जाहिल मत बनो, पढ़ लिख के कुरान पढ़ो हदीसा पढ़ो, तुमको सब मालूम था क्या है कैसा दुनिया में जीना, कैसा सलीका कैसा तरीका है, कुरान और हदीसें तुम्हारे रहनुमाई के लिए उतारी गई वाली, अल्लाह को तुम्हारी इबादत की जरूरत भी नहीं है और गरज भी नहीं है तुम्हारी इबादत की, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते 70,000 साल से कोई रुकू में कोई 70,000 साल से सजदे में, तो अल्लाह ने उनकी तरफ देखा भी नहीं उनकी इबादत की तरफ, क्योंकि अल्लाह को गरज नहीं है तुम्हारी इबादत, तुम्हारी हिफाजत के वास्ते दिया देते सब चीज़ा इबादत करना है करना, तुम्हारे फिर इबादत को जैसे इनामात भी तुम्हारे ऊपर रख दिया बाद में और भी, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है, और बहुत सारी बातें बताने अगर मैं बैठा तो बहुत लंबी चौड़ जाता हूँ, मगर इन शॉर्ट में ये सब बातें बता दिया, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब अमल करने की तौफीक दे, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम पे कोई जादू टोना नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई दुआएं याद कर सकता, दुआएं याद करो हिंदी में इंग्लिश में हर जबान में दुआएं मिलती, अब तो किताबें लाने की जरूरत नहीं, मोबाइल ही तुम्हारे जेब में ऐसा होगा कि उसके अंदर हर चीज अवेलेबल, और कुरान जो है और हदीस जो है ऐसा नहीं है कि मुसलमानों कुछ विरासत में मिला, सारे जहां के वास्ते अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पढ़ सकते कलाम और सब फैज ले सकते उससे, तुम पढ़ेंगे तो तुम्हारे दिल को एक सुकून मिलेगा और ये सब चीजों से तुम महफूज रहेंगे, समझ गए चलो।